लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इन बीमारियों में बहता है नाक से खून, तो कौन कौन सी बीमारी है मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाए तो उसके नाक से खून बहने लगता है, जो कि कुछ देर बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। दरअसल नाक से खून बहना कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है। वैसे भी नाक में कई छोटी छोटी रक्त वाहिकाएँ होती हैं जिनसे आसानी से खून बह सकता है। उदाहरण स्वरूप समझें, नाक में म्यूकस होता है। सांस लेने के दौरान हवा अंदर बाहर होती है। अक्सर जुकाम हो तो म्यूकस जमकर पपड़ीदार बन सकता है। अगर वहाँ तेजी से खुजली की जाए तो वहाँ जलन होने के साथ साथ खून भी बह सकता है। नाक में खून बहने की समस्या सर्दियों के दिनों में ज़्यादा होती है। हालांकि कुछ बीमारियों के लक्षणों के रूप में भी नाक से खून बह सकता है। तो सबसे पहले है एलर्जी। कई बार एलर्जी के कारण नाक से खून बह सकता है। एलर्जी जिसे स्नफिंग, स्नीजिंग और बैटरी आई की वजह से नाक से खून बह सकता है। दरअसल छींकने के कारण या एलर्जी की वजह से नाक में जलन, खुजली होने लगती है। इससे छुटकारा पाने के लिए कई बार हम लोग अनजाने में बहुत तेज खुजली कर बैठते हैं, जिससे खून निकल आता है। इसके अलावा अगर आप बार बार छींकते रहते हैं या फिर छिड़कते रहते हैं तो उससे नाक में चोट लग सकती है। नतीजन नाक से खून बहने लगता है। इसके अलावा एलर्जी से निपटने के लिए कुछ विशेष किस्म के स्प्रे का यूज किया जाता है। अगर ये सूट ना करे तो भी नाक से खून बह सकता है। इन्फेक्शन, साइन इन्फेक्शन, कोल्ड होना या फिर सांस संबंधी किसी भी तरह की इन्फेक्शन होने पर नाक में मौजूद पतले पैसेस डैमेज हो जाते हैं। क्षति होने के कारण नाक सेंसिटिव हो जाती है, वहाँ खुजली और जलन जैसी समस्या होने लगती है। यही नहीं, अक्सर इन्फेक्शन होने के कारण लोग बहुत तेज़ी से अपनी नाक छिड़कते हैं, जिस कारण चोटिल नाक से खून बहने लगता है। इन्फेक्शन होने के दूसरे लक्षण हैं खांसी, गले में खराश, बदन दर्द, ठंड लगना और बुखार आना। नाक में चोट लगने के कारण भी नाक से खून बह सकता है। यही नहीं, अगर किसी की नाक की हड्डी टूट गई है या फिर नाक में कुछ फंस गया है तो इन स्थितियों में भी नाक से खून बह सकता है। इस तरह की स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर नाक में कुछ फंस गया है तो उसका निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, लंबे या कोई अन्य स्वास्थ्य स्थिति रक्त के थक्के बनाने की क्षमता को कम कर सकती है और इसलिए नाक से खून बहने की समस्या हो सकती है। इनमें खासकर हाई ब्लड प्रेशर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी हृदय संबंधी बीमारियां भी शामिल हैं, जिसमें नाक से खून निकल सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होने पर शरीर को अचानक तेज सिर में दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और स्ट्रेस रेट भी बढ़ सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।